हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये पूरा कट ऑफ देखने वाले हैं कि नीट का इस साल कट ऑफ कितना जाने वाला है इस साल, और पिछले वर्ष 2021 में कितना कट ऑफ गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नीट का, जितने भी स्टूडेंट इंट्रेंस एग्जाम दिए थे, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और कुछ कोर्सेस इसमें ऐड हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल कितना गया था कट ऑफ टोटल, और इस साल कितने कट ऑफ जाने की संभावना है। पिछले साल क्या हुआ था, थोड़ा पेपर इजी था, लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार जो है कि इसमें आपका फिजिक्स जो था, फिजिक्स थोड़ा क्या कर दिया, फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा सिंपल आ गया, फिजिक्स सिंपल आ गया। और आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो था ना, सर एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन थोड़ा ट्रिकी थे, थोड़ा घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही है कि पिछली बार तो 2021 में तो तीन स्टूडेंट ने 720 नंबर गेन किए थे। इस साल देखिए कोई गेन करता है कि नहीं, हमें तो मुश्किल लगता है कि कोई 720 में 720 लाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी काफ़ी ट्रिकी था और बायोलॉजी भी, तो ये दोनों तो ट्रिकी थे, लेकिन फिजिक्स जो था यही तो मेंटेन कर रहा है। तो फिजिक्स एकदम सिंपल था, लेकिन बायोलॉजी ये तो थोड़ा कंसेप्ट थे। ये देखिए 2021 में जो ये कट ऑफ गया था, ये कट ऑफ जो है स्टेट वाइज कट ऑफ है कि कितने किस स्टेट में कितने कट ऑफ गए थे। जैसे बात करेंगे असम की, बिहार की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, ये देखिए उत्तर प्रदेश, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो अगर 2021 की जनरल की बात करें तो असम में 532 नंबर पे एमबीबीएस की सीट मिल गई थी, बिहार में 610 गया था, राजस्थान में 631 और उत्तर प्रदेश में देखिए 601 नंबर पे जनरल कैटेगरी को एमबीबीएस की सीट मिल गई थी, और ओबीसी के लिए 597 पे मिल गया था लास्ट ईयर 2021 में। और अगर जनरल कैटेगरी के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास था तो उनका 599 पे एमबीबीएस की सीट मिल गई थी, और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 454 नंबर पे मिल गया था, और अगर एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 241 नंबर, और पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं उनको 131 पे ही उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें मिल गई थी। तो 131 तो काफ़ी कम नंबर होता है। तो ये सब कट ऑफ पूरा दिया गया है, ये एमपी का है, वेस्ट बंगाल में 572, महाराष्ट्र में 557, पंजाब में 571, हरियाणा में 609 नंबर है, और ये देखिए सबसे कम कट ऑफ जाता है गोवा में जाता है, और गुजरात में भी 573 गया था। तो ये पूरी कट ऑफ की लिस्ट है, अगर आप जिस भी स्टेट के हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस बार कितने कट ऑफ जाएंगे। तो इस बार क्या है, इसमें 651 में 5 नंबर लेस, 5 नंबर माइनस ही करके चलिए कि 5-6 नंबर 10 नंबर कम ही जाएगा, 5 नंबर तो मान के चलिए कि भाई 5 नंबर कम ही जाएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी था। बायोलॉजी यार जब थोड़ा टफ हो जाता है ना, तो फिर समझिए कि जो कट ऑफ का रेशियो होता है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, माइनस में जाएगा। तो 5 नंबर आप माइनस मान के चल सकते हैं। अगर आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके 595 भी आपकी बार आ जाएंगे नंबर, तो ये समझिए कि सीट मिल सकते हैं, ये तो अनुमानित है। आप भी सोच सकते हैं, आप तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए भी होंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इसका अभी देखिए, राजस्थान में तो वो चल रहा, राजस्थान के जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोले थे कि फिर से नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम इस राज्य में कराएंगे, तो कुछ इशू था, अभी कुछ ऐसा है नहीं, एनटीए की तरफ से तो कोई अभी इंफॉर्मेशन है नहीं, एनटीए तो पूरा शांत है कि कहाँ पे दोबारा होगा, कहीं पे नहीं, कहीं ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। तो जब भी कोई चीज़ न्यूज आती है तो आपको बताई जाएगी, लेकिन ये कट ऑफ था, कट ऑफ तो हाईएस्ट कट ऑफ इस समय जा रहा है नीट का। चलिए, थैंक यू।